हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं सुनील और आज का जो टॉपिक है वो है हेनरी मिंसबर्ग मैनेजर रोल्स। हेनरी मिंसबर्ग के मैनेजर रोल्स हैं, आरबीएसई का स्पेसिफिक टॉपिक है। मिंसबर्ग के मैनेजर रोल्स अपन डिस्कस करेंगे आज। तीन पोर्शंस में डिवाइड है, जैसे कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड सी इज डिसीजनल रोल्स। ठीक है, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। पहला देखते हैं इंटरपर्सनल रोल्स होते क्या हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब होता है जब आपका मैनेजर, जब आपका लीडर, जो आपके टॉप लेवल में मैनेजर है, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने जो पीयर्स हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उनके साथ थोड़ा पोलाइटली बात करता है, उनसे जाके थोड़ा सोशलाइज होता है, उनसे मिलता है, उनसे मिलता जुलता है। ठीक है, ताकि थोड़ी सी फ्रेंडशिप डेवलप हो पाए, थोड़ा सा हार्मनी डेवलप हो पाए ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन डेवलप हो पाए। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रोल्स हैं जब भी लीडर इंटेंशनली सोशलाइज होता है अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज के साथ, उसके बेनिफिट्स बहुत है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैनेजर रोल्स इंटरपर्सनल में फिगर हेड रोल है अपना फर्स्ट। फिगर हेड क्या होता है? फिगर हेड वो होता है जिसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं, जिसकी बात सब मानते हैं। अगर फैमिली में बात करो तो पापा अपने, फादर अपने फिगर हेड रोल है। ठीक है, जिनकी बातें सब मानते हैं, जो कि डिसीजन लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह में, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो मैनेजर जिसकी सब बातें मानते हैं, जो अपना बॉस है, जो अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करता है, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो फिगर हेड रोल वो है या वो मैनेजर है जिनकी सब रेस्पेक्ट करते हैं, जो टॉप ऑफ द हायरार्की है, टॉप ऑफ द लेवल है अपने ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको सब बुलाना पसंद करते हैं मीटिंग्स में, जो कि जिसके सब रेस्पेक्ट करते हैं, जो अपने सीनियर मोस्ट अपने मैनेजर में ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज फिगर हेड रोल। तो फिगर हेड रोल होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपका मैनेजर फिगर हेड होगा, जिसकी बात सब मानते हैं, जिसके सब रेस्पेक्ट करते हैं, तो काम करवाना, काम लेना उनसे ईजी हो जाता है। ठीक है, फिगर हेड रोल। नेक्स्ट लीडर रोल। एक मैनेजर को इफेक्टिव लीडर होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने फॉलोअर्स का, अपने एम्प्लॉयज का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसको मोटिवेट करता है। ठीक है, लीडर होना बहुत जरूरी है किसी भी मैनेजर के लिए, अगर उसको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। लीडर एक एग्जांपल सेट करता है अपने एम्प्लॉयज या फॉलोअर्स के सामने कि लीडरशिप की स्पेशलिटी क्या होती है। वो काम बोलता नहीं है काम करो, काम करके दिखाता है कि ये काम ऐसे होता है। ठीक है, अगर आप लीडर के एग्जांपल की बात करें, एमएस धोनी क्रिकेटर इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ व्हाट लीडर शुड पॉसेस। ठीक है, देन कम्स थर्ड लाइजन ऑफिसर्स रोल। लाइजन ऑफिसर क्या होते हैं? लाइजन ऑफिसर ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, या ऐसे मैनेजर को एक लाइजन ऑफिसर का रोल भी निभाना पड़ता है। लाइजन ऑफिसर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, जो भी लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आउटसाइड से जुड़े हैं, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, जो भी आपके सारे आउटसाइड हैं, उनके साथ भी आपको बना के रखनी पड़ती है, सोशलाइज होना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाए। मेकिंग सेंस? ये हो गया आपके इंटरपर्सनल रोल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशन, अगर एक लीडर इंटरपर्सनल रोल्स इफेक्टिवली निभा रहा है, सोशलाइज कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। और इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन के बलबूते पे ही एक इफेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव डिसीजन। फर्स्ट देखते हैं इसमें मॉनिटर रोल। मॉनिटर का क्या रोल होता है? जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, देखे करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तो वही रोल यहां पर मॉनिटर्स एनालाइज करता है, या मैनेजर एनालाइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें सुधार लाया जा सकता है, जिसको इंप्रूव करा जा सकता है। हर चीज में एज अ मॉनिटर नजर रखनी, एम्प्लॉयज को भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सब काम ठीक से चल रहा है, रॉ मटेरियल का सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो रहा है, मार्केटिंग ठीक हो रही है। तो मॉनिटर्स रोल में इफेक्टिवली मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को। डेसिमिनेटर्स रोल। डेसिमिनेट करना मतलब होता है बच्चा इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है उसको सही वे में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है वो सही बंदे तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट करनी है टू द पर्सन हुम द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसको भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जिसमें बंदे को उस तक वो इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली पहुंचानी है, ठीक है, मेकिंग श्योर करना कि इन्फॉर्मेशन सही बंदे तक सही टाइम पे पहुंचे, दैट इज डेसिग्नेटर्स को। देन कम स्पोक्स पर्सन। अच्छा स्पोक्स पर्सन कौन होते हैं? स्पोक्स पर्सन वो होते हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आपने देखा होगा कोई भी बड़ी कंपनीज जो होती है वो क्या करती है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्टिकुलर स्पोक्स पर्सन होता है, एक मैनेजर होता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो जाके रिप्रेजेंट करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है किनको, टू द आउटसाइड वर्ल्ड या टू द स्पेसिफिक गोलू में मीडिया, ठीक है, मीडिया जो न्यूज़पेपर्स वाले रिपोर्टर्स वगैरह जो आते हैं उनके सामने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है अपने आइडियाज अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो कि उनकी कंपनी लॉन्च करने वाली है, ठीक है। तो एक मैनेजर को अच्छा स्पोक्स पर्सन बोलने वाला है, स्पोक्स पर्सन जिसकी एबिलिटी कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो स्पोक्स पर्सन होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। ये हो गए अपने इन्फॉर्मेशन रोल्स 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं डिसीजनल रोल्स में। इंटरपर्सनल सब कनेक्टेड है, इंटरपर्सनल आपने सोशलाइज कर लिया अच्छे से, मैनेजर ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो इफेक्टिव डिसीजन ले पाएगा, दैट इज कॉल्ड डिसीजनल रोल्स। फर्स्ट देखते हैं एंटरप्रेन्योर रोल। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बिजनेसमैन, थोड़ी स्पेलिंग डिफिकल्ट है, याद करिए कहीं जाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो डिसीजनल रोल्स में एंटरप्रेन्योर मतलब जो एक बिजनेसमैन वाली एबिलिटी होनी चाहिए एक मैनेजर पे, उसमें एक टर्म आती है स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ठीक है। तो वो सारी चीजें एनालाइज करके चलता है कोई भी इफेक्टिव बिजनेसमैन कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ठीक है, मार्केट में मुझे किनसे कॉम्पिटिशन है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे कम लाना है, तो ये सारी चीजों को एनालाइज करता है एक ऐसा बिजनेसमैन वाली सोच करके इफेक्टिव मैनेजर। डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, स्ट्राइक हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया, मशीनरी खराब हो गई, तो ये सब ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो एक मैनेजर डिस्टर्बेंस जो भी क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको ठीक करने का काम एक मैनेजर का है, ठीक है। थर्ड देखते हैं रिसोर्स एलोकेटर रोल। जो भी अपने रिसोर्सेज है, मनी मेटेरियल मशीनरी जो भी आपके रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली एलोकेट करना टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। पहले से ही प्री प्लान करना या बजट बनाना कि कौन से डिपार्टमेंट को अपन को कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो, राइट, क्लियर। आगे देखते हैं फोर्थ नेगोशिएटर रोल। नेगोशिएटर कौन होता है? नेगोशिएटर वो होता है जिसकी अफेक्टिव बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, मोल भाव जो अच्छा कर सकता है। एक मैनेजर को नेगोशिएटर होना क्यों जरूरी है? मान लीजिए वो किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, ठीक है, इंटरव्यू में एम्प्लॉय की डिमांड है 10,000 रुपए, लेकिन अगर आपका बजट या अगर पहले से सोच रखा है कि भाई मुझे 8,000 से ज्यादा नहीं देने एक मैनेजर ने, तो मैनेजर्स को 8,000 में वर्कर्स को या एम्प्लॉय को मनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको बार्गेनिंग स्किल सीखनी बहुत जरूरी है। आप आउटसाइड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई प्रपोजल या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन कर रहे हैं, तो आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में उनको पर्सुएट करना आना चाहिए, उनको मनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अपने बार्गेनिंग स्किल या नेगोशिएटर वाली स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने हेनरी विंसबर्ग के मैनेजर रोल्स, इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल और डिसीजन रोल्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और मेरा आज का सेशन या आज की क्लास पसंद आई होगी।